नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फॉर 2024 एंड ऑनवर्ड। मतलब कौन सा फंड में लगाएं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है, आपका एज ज़्यादा है, पैसे लिमिटेड है और रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में लगा दिया फंड मैनेजर। स्मॉल कैप में लगाए, लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए, वो उनका सिरदर्दी है। हम सीधा सीधा फंड मैनेजर को पैसा दिए और 5 साल 10 साल के लिए पैसा छोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप होगा, पहले तो देख लेते हैं। दोनों नाम एक जैसा लगता है, मल्टी कैप बोलो फ्लेक्सी कैप बोलो, दोनों नाम एक ही जैसा सुनने में लगता है। मल्टी कैप का मतलब है सेबी के दृष्टिकोण में, एमफी के दृष्टिकोण में, म्यूचुअल फंड की परिभाषा में 75% इक्विटी में लगाएंगे। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25-25 तो रखना ही पड़ेगा, कभी 24% कभी 23% ऐसे नहीं कर सकते हैं, 25-25 तो फिक्स है। बचा हुआ 25 फंड मैनेजर पर निर्भर करता है कि वो डेट में रखे या पूरा का पूरा लार्ज कैप में रख दे, पूरा का पूरा मिड कैप में रख दे या स्मॉल कैप में रख दे, या बराबर बराबर 25% को बराबर बराबर 10-10-5 कर दे, वो उनका मर्जी है, फंड मैनेजर पर निर्भर है। फ्लेक्सी कैप में बोलते हैं 65% इक्विटी में पैसा रखना पड़ेगा। मतलब क्या होता है इसका, अगर आपने 1 लाख रुपये पैसा लगाया तो 65,000 रुपया इक्विटी में रहेगा, मार्केट में रहेगा, वही मार्केट जिससे आप डरते हैं, जो भाग जाता है, डूब जाता है, हरा जाता है, ऐसा सोचते हैं। 65,000 रुपया मार्केट में रहेगा, 35,000 रुपया डेट सिक्योरिटीज में रहेगा, वो भी कंपनी में ही है लेकिन कंपनी का डिबेंचर खरीदे हैं, वो मार्केट में घुरपुर 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 हिलचुल नहीं हो रहा है। तो 65% इक्विटी, 35% डेट, इसमें कोई कैप नहीं है, फंड मैनेजर पर निर्भर है। लार्ज कैप में रखो, मिड कैप में रखो, स्मॉल कैप में रखो, सारा का सारा 65,000 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इधर उधर घुमा फिर रख दो, कैसे करना है वो फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। अब इसका रिकॉर्ड चेक करना है तो stylesfp.in पे जाके हम चेक करते हैं कौन कौन से लोगों को लेना चाहिए ये फंड, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लिमिटेड समय के लिए, 5 साल 10 साल के लिए लिमिटेड पैसा है और रखना चाहते हैं, एज ज्यादा है जिनका, 50 साल से ज्यादा एज है। पहली बार वीडियो देखा, स्मॉल कैप में जा नहीं सकते हैं, रिस्क ज्यादा है, पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, मार्केट स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है तो नहीं लगा सकते हैं, लिमिटेड पैसा है। तो पहले तो एक रिकॉर्ड देख लेते हैं यहाँ पे कि मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप को कैसे देखना है। मोबाइल पे जैसे ही stylesfp.in खोलेंगे 8 नंबर पे आपको मल्टी कैप दिख जाएगा, पिछले 10 साल में 10 लाख का वैल्यू, और यहाँ पे एएम वाइज सिलेक्टेड है कौन कौन सा फंड होगा, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव फंड। एएम देखेंगे 20,000 करोड़, 8,000 करोड़, 6,000 करोड़। अगर रिटर्न का बात करें, 10 लाख का वैल्यू 51 लाख एक ने बनाया है, 48 लाख दूसरे ने, 79 लाख क्वांट एक्टिव फंड ने बनाया है, 22% का रिटर्न, 17% का रिटर्न, 17% का रिटर्न। ये तीन फंड मल्टी कैप कैटेगरी में आप चुन सकते हैं, निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड। अब फ्लेक्सी कैप का अगर बात करें तो फ्लेक्सी कैप का देखते हैं, यहाँ पे 90 नंबर पे फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पे अगर देखते हैं एएम के वाइज से सिलेक्ट किया है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 44,000 करोड़, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 39,000 करोड़, रिटर्न देखते हैं पिछले 10 साल का 10 लाख का 58 लाख और 48 लाख बने हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा कर रहा है, यहाँ पे इसका एएम काफी कम है लेकिन ये फंड काफी अच्छा कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप मात्र 2163 करोड़ का एएम है, 10 लाख का वैल्यू बनाया है, यहाँ पे 76 लाख, 22% का रिटर्न दिया है। तो फ्लेक्सी कैप आप चुनना है तो ऊपर का 2 एएम वाइज और 1 क्वांट फ्लेक्सी कैप भी चुन सकते हैं। अब इसी का तो यहाँ पे आपने वन टाइम का रिकॉर्ड देखा, अगर हम एसआईपी का बात करें तो एसआईपी के लिए क्या करना पड़ता है, टच इसको ग्राफ को। मल्टी कैप का बात करें पिछले 20 साल का, 20 साल क्यों चुनते हैं एसआईपी में, 10 साल, 12 साल, 15 साल में, तो एवरेज आप अगर आप 15 साल का बात करते हैं तो एसआईपी हर महीने पैसे दे रहे हैं तो 7-7.5 का ही एवरेज बनता है, 20 साल का ड्यूरेशन देते हैं तो 10-12 साल का एवरेज बनता है, तो 20 साल आपको देना चाहिए एसआईपी करते हैं तो। लंबा नजरिया रखिए, कॉर्पस बनाना है, मात्र 5-5 रुपए पर मंथ का एक रिकॉर्ड देखते हैं। आईसीआईसी मल्टी कैप, यहाँ पे पैसा 12 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 67 लाख रुपया 15% के रेट से। क्वांट एक्टिव फंड 12 लाख जमा हुआ है, कब से कब तक, 2004 से लेके अब तक 87,30,000 बनाए, 17.31% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से आपने मल्टी कैप का रिटर्न देखा एसआईपी में। अगर हम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देखते हैं तो सेम इस ग्राफ को टच किया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का बात करें 5-5 हजार रुपए पर मंथ 2004 से लेकर अब तक, 12 लाख रुपए जमा कर दिया, 79 लाख बचा है, 16% का रिटर्न है।
फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन को तो हमने वहां पे देखा नहीं था, 20 साल पुराना वो फंड नहीं है जो पीछे हम वन टाइम में दिखाए हैं। लेकिन एनालाइज करने के लिए फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप को देखते हैं, 12 लाख का वैल्यू 75,78,000 बनाया है 16% के रेट से। इस तरह से करके मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क फिर भी है, मार्केट गिरेगा तो सब गिरता है, स्मॉल कैप भी गिरेगा, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप सब गिरता है। लेकिन फिर भी कम पैसा है, लिमिटेड टाइम है, फिर भी वो लिमिटेड टाइम बोलता हूँ 10 साल से ऊपर है, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं। एज कम है तो जरूर आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओनली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड करेक्ट है क्या टोटल कॉर्पस के लिए? एक तो पहली बात है कि मैं अगर बात करूं, मैंने जमीन जायदाद प्लॉट फ्लैट सोना चांदी कुछ नहीं करता, 100% का 100% इक्विटी में डाला, एक तो पहला बात ये हो गया। अब उसमें से सिर्फ स्मॉल कैप करना है तो ये क्वेश्चन पूछने, सिर्फ स्मॉल कैप करना सही क्या? रिस्क तो नहीं है, रिस्क बिल्कुल है, लेकिन आपका एज अगर 25 से 40 के बीच है, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, तो स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है, पर रिस्क हमें सहने का क्षमता है भी। जब हमारा एज ज्यादा हो जाएगा, 45, 50, 55 हो जाएगा, तब हम कभी नहीं बोलेंगे कि स्मॉल कैप में लगाइए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी उतने एज में भी आपके पास पैसा ज्यादा है और लगा के बेटा बेटी पोता पोती के नाम पे छोड़ना चाहते हैं, तो वो केस अलग हो गया, आपका रिक्वायरमेंट अलग गया हो गया, गोल अलग हो गया, फिर भी उस समय भी स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। लेकिन आपका एज कम है तो मैं बोलता हूं, एक तो इक्विटी चुनिए, बाकी जगह पे पैसा मत लगाइए, उसमें से स्मॉल कैप चुनिए। पहला 1 करोड़ रुपया जब तक ना बन जाता है आप स्मॉल कैप में पैसा बनाते रहिए, उसके बाद जब बन जाए फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, लार्ज कैप में, डेट में क्या रखने रखिए। अब फिर इससे भी ज्यादा बन गया, 2 करोड़ 3 करोड़ बन गया, फिर प्लॉट फ्लैट गोल्ड सोना चांदी जो लेना लीजिए ना, लेकिन पहला 1 करोड़ रुपया मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में बना लीजिए, यदि एज कम है तो। क्योंकि देखा गया है 15, 20, 25 साल, 30 साल का रिकॉर्ड, इक्विटी ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, सब चीज को बीट किया है, प्लॉट फ्लैट चांदी सोना एफडी ओफडी सबको बीट किया है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में 15 लाख रुपया लगाए थे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में, टाइम 30 साल है, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे काफी ज्यादा समय है, तो देखते हैं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाया 15 लाख, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं एक्सिस का बात करते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है एक्सिस, ऑल होता है, जब आप मोबाइल पे लैपटॉप पे खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया है, 5 साल सिलेक्ट किया है। 5 ही साल क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा पुराना फंड नहीं है, अगर मैं 10 साल चुनूंगा तो ये गायब हो जाएगा, तो सबसे पहले आता है 5 साल में देखा जाए एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, उसके बाद एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर इसको टच करके देखते हैं फंड को, तो यहाँ पे ये आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब लार्ज कैप में भी पैसा है और मिड कैप में भी पैसा है। लार्ज कैप लंबे समय में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, उससे ज्यादा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप रिटर्न देगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप, इसको मोबाइल वर्जन में इस तरह से देखेंगे, तो 15 लाख का बनाया है एक्सिस स्मॉल कैप ने 48 लाख, मिड कैप ने 36 लाख, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने भी बनाया है 36,65,000, 19.56% का रिटर्न मिला है। आपके पास इतना ज्यादा समय है तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 15 लाख रुपया 30 साल में कितना होगा, यदि मैं 12% का रिटर्न पकड़ू, और ऐसा सोचे हैं कि कोई प्लॉट फ्लैट नहीं लेंगे, यही प्लॉट फ्लैट हमारे लिए, ये तो बच्चों के लिए छोड़ दिया, या हमारा एज 50, 60, 65 होगा, तब इस पैसे से SWP करना शुरू करेंगे। 15 लाख रुपया 30 साल के लिए 12% के रेट से ये 15 लाख रुपया पैसा बनता है 4 करोड़ 49 लाख। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, ये कैलकुलेटर है, अपने घर के कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो इसी तरह से दिखेगा। यदि आपका भाग्य अच्छा हो, मार्केट अच्छा चले और 15% का रिटर्न दे दे, तो ये पैसा जो 15 लाख है ये बढ़ के आ जाता है 9 करोड़ 93 लाख। यहाँ नीचे कैश फ्लो दिया हुआ है, कैसे 15 लाख पे वन टाइम धीरे धीरे करके इतना पैसा हो गया, तो ये कैश फ्लो starsap.in के कैलकुलेटर पे जाएंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ऐप चाहे तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐप दोनों पे है, ISB पे और एंड्रॉयड पे भी।
तो इस तरह से करके खुद से कैलकुलेट करेंगे इतना हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने एक्सिस ग्रोथ में रखा है, इससे बेहतर है कि आप उस पैसे को धीरे से स्विच करके एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप में ग्रोथ वाला भी रहने दीजिए, बराबर बराबर करके धीरे धीरे स्विच कर दीजिए। जो 15 लगाए 5 5 5 कर देंगे, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, लगभग आपका 200 कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन होगा। मेरा मानना है अगर तीनों में कर देते हैं तो 15-16% का रिटर्न लंबे समय में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आप हर बार 2013 से क्यों लेते हैं, 2008 या 9 से लेके वीडियो बनाइए, खुद से कर लीजिए। चलिए मैं ही बना देता हूँ। यहाँ पे आप कहते हैं 2008-9 से, तो मैं यहाँ पे 15 साल सेलेक्ट कर लिया, 10 लाख ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 2008 से ले लिया। डीएसपी स्मॉल कैप ने 10 लाख का बनाया है 2,99,00,000, वन टाइम 10 लाख रुपया लगाया था। फ्रैंकलिन ने बनाया 10 लाख का 2,48,00,000, कोटक स्मॉल कैप ने बनाया 2,01,00,000। सबसे खराब वाला फंड देखते हैं पिछले 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में, 15% के रेट से 10 लाख का 88,00,000 बनाया। अब आपका क्वेश्चन है कि क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन है ना। मैं बोलता हूं कि निपॉन स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा है और एसबीआई स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा है, पर उसका जन्म 15 साल हुआ ही नहीं है, वो 12-13 साल पहले जन्म लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा 12-13 साल सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वो सारे खिलाड़ी यहाँ पे आ जाएं। अभी धोनी जन्म लिया, अभी विराट कोहली लिया, आप लारा का और उधर क्रिस गेल ये सबका पुराना पुराना खिलाड़ी दिखा रहे हैं, जो अच्छा अच्छा चमचमाता हुआ खिलाड़ी है उसका तो दिखाई नहीं रहा रिकॉर्ड, तो बढ़िया खिलाड़ी का दिखाऊंगा ना रिकॉर्ड, वो 15 साल पुराना वो खिलाड़ी था ही नहीं। और आपको पैसा झोंकना है तो झोंकना है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, डीएसपी, यहाँ पे एचडीएफसी भी है, 4-5 में ऊपर से नीचे तक झोंक देंगे। कोई इंटेंशन नहीं है कि आपने 2010-12-13 से ही क्यों कर रहे हैं, अरे कर लीजिए जितना करना है, किसी भी डेट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि एग्जिट लोड 1% फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट लोड के बारे में कुछ नाटक अंग्रेजी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहता है कि एग्जिट लोड 1% इफ ग्रेटर देन 10% यूनिट बेचा जाए। आप बेच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब क्या है, आपने 10 लाख झोंक दिया, उसका 10% होता है साल के पहले निकालते हैं तो 1,00,000 रुपया निकालते हैं, 1,00,000 तक आपको कोई एग्जिट लोड जो 1% लगता है वो नहीं लगेगा। मतलब आप 10 लाख लगाए, एसडब्ल्यूपी किए 6,000-7,000-8,000 पर मंथ, तो मैक्सिमम मान लेते हैं 96,000 रुपया साल के पहले निकाल लिए एसडब्ल्यूपी करके, तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बैलेंस कैटेगरी में इस तरह का अंग्रेजी लिखा हुआ होता है, नॉर्मल केस में सीधा सीधा लिखा रहेगा एग्जिट लोड 1% लेस देन 1 ईयर, 1 साल के पहले निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा ही लगेगा। आपने 10 लाख लगाया, 1,00,000 निकालना चाहते हैं, तो 1,00,000 का 1% एग्जिट लोड कितना हुआ, 1,000 काट लेगा। भले ही आपका पैसा जितना भी बढ़ा हो घटा जो भी हुआ, पर आप 10 लाख में से 1,00,000 निकालते हैं नॉर्मल केस में जहां अंग्रेजी सीधा सीधा लिखा हो 1% एग्जिट लोड 1 साल के पहले, तो 1,000 रुपया कट लेगा, काट के आपके ही फंड में जोड़ दिया जाएगा, आपके मतलब इन्वेस्टर के जो फंड में उसको पैसा जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बैलेंस कैटेगरी में ये अंग्रेजी लिखा रहता है कि आप 10% तक निकालते हैं तो छूट है, मतलब 8,000-9,000 तक एसडब्ल्यूपी करते हैं तो जो पैसा 1,00,000 के नीचे आएगा आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। अब अगले बार से, 1 साल तो पूरा हो ही गया, अगले साल से कितना भी पैसा निकालते रहिए कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, इसका मतलब यही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, पोर्टफोलियो भेजे हैं कि हम पराग पाली फ्लेक्सी कैप में 60,000, लमसम मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप में 50,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 60,000, एचएसबीसी स्मॉल कैप में 50,000, क्वांट मिड कैप में 50,000, ये सारे फंड अच्छे हैं, कोटक इमर्जिंग में 50,000, ये भी बेहतरीन फंड है, आईसीसी पोटेंशियल इंफ्रा में 50,000, ये सेक्टोरियल फंड में लगा दिया। अभी सेक्टोरियल फंड अच्छा किया है लेकिन मैं कहूंगा कि इसको चेंज करके आप आईसीसी स्मॉल कैप में कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप अगेन बेहतरीन फंड, यूटीआई स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, निपॉन स्मॉल कैप में 5,000 का एसआईपी चल रहा होगा, एसबीआई स्मॉल कैप 5,000 एसआईपी, सब में ऐसे से चल रहा है, अक्टूबर 2023 से किया है, क्या 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो 5,000-10,000 का एसआईपी है और वो लमसम है, 2-3,000 रुपया और एसआईपी कर दीजिए, 12-15 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, घोरपुर हिलचुल कुछ नहीं, खड़ी इच्छा है, मतलब
एक करोड़ रुपया जब तक होगा नहीं, हम घुरपुर हिलचुल नहीं करेंगे, इधर उधर भागे भूगेंगे नहीं, पक्का बनेगा। मेरा बना है तो सबका बन सकता है। बड़ा अच्छा अंग्रेजी में कहावत है, इफ वन कैन डू अनदर कैन डू, ऑल कैन डू, कर सकते हैं। तो बेहतरीन फंड है, आप इसको चलाते रहिए, समय के साथ साथ पैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, और जो चेंज बोल रहा हूँ उसको कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन तीन तरीके से हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं जैसे पूछ रहे हैं। दूसरा, यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगा हर 15 दिन पे, अभी 17 दिसंबर को 1-2 PM को मैं लाइव यूट्यूब पे आऊंगा, उसमें आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी इस तरह का फाइनेंशियल क्वेरी है आप उनसे पूछ सकते हैं। फिजिकल क्लास मैं हर महीने एक बार करूंगा, जीरकपुर जहां मैं रहता हूं वहां पे भी आके हम अगले 7 जनवरी को कर रहे हैं, वहां पे हमसे आके आप फिजिकल मिल सकते हैं। डायरी में नोट करके लाएंगे कि क्या क्या आपका सवाल है और क्या क्या आप हमसे जानना चाहते हैं। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल क्वेरी अपना सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।